हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चटपटे खस्ता समोसे। ये देखिए, अब हम समोसे के लिए स्टफिंग बनाने जा रहे हैं। स्टफिंग में मैंने ये जीरा लिया है आधी छोटी चम्मच, ये चाट मसाला है पौन चम्मच के करीब, ऐसे ही ये ड्राई मैंगो पाउडर है, ये भी सेम क्वांटिटी आधी से पौन चम्मच, ये 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, ये 2 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, ये आधा कप के करीब मटर हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है, ये एक प्याज है जो मैंने बारीक काट ली है, और ये हमारे पास 5-6 आलू हैं जो हमने बॉईल करके छील के बिल्कुल ठंडे कर लिए हैं। हमें समोसे की पिट्ठी बनाने के लिए बिल्कुल ठंडे आलू चाहिए। ये आलू मैंने 1 से 2 घंटा पहले उबाल के छील के रख दिए हैं, और ये बाकी हमारे रेगुलर मसाले मिर्च, गरम मसाला, नमक और धनिया। हमने इधर कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, रिफाइंड बहुत थोड़ा ही है, 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने रिफाइंड डाला है। जब हमारा रिफाइंड अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे जीरा, और जीरे के तुरंत बाद जैसे ही जीरा हल्का सा क्रैकल हो जाएगा ये हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, और फिर डाल देंगे ये अपना जो हमने अदरक पीस के रखा है, ये इन सारी चीज़ों को अच्छे से 10-1 सेकेंड हम इसी में भूनेंगे, और फिर हम ये जो हमारी बारीक कटी हुई प्याज है ये प्याज डाल देंगे इसमें, और इस प्याज को भी थोड़ी देर अच्छे से हम अपनी कढ़ाई में भूनेंगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज होगा वैसे ही हम इसमें अपने बॉइल मटर डाल देंगे, क्योंकि मटर पहले से बॉइल है, हमने पहले से बॉइल करके रखे हैं तो हमें उनको इस टाइम गलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मटर को पहले से बॉइल करके नहीं रख रहे हैं तो प्याज के तुरंत बाद आप मटर डाल दीजिए और इसे ढक के 4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे आपके जो मटर हैं वो यहाँ पे कढ़ाई में गल जाएंगे। अब ये प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो हम इसमें ये अपना आधा कप मटर भी डाल देंगे। जैसे इस समय फेस्टिव सीजन चल रहा है तो अगर आप चाहें तो अपनी समोसों की स्टफिंग को और रिच बनाने के लिए इसमें थोड़े से काजू क्रश करके डाल दीजिए, थोड़ी सी किशमिश डाल दीजिए, और अगर आपको पनीर पसंद है तो आप थोड़े से पनीर के क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब हमारी ये प्याज और मटर अच्छे से कढ़ाई में सौदे हो गई हैं एक साथ। अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू। आलू हम कढ़ाई में ही अच्छे से हाथ से फोड़ के डालेंगे। समोसों में ऐसे ही टूटे हुए आलू अच्छे लगते हैं, समोसों में कभी भी आलू ग्रेट करके नहीं डाले जाते हैं। हमने सारे आलू मैश कर दिए हैं प्याज और मटर के साथ। अब हम इनको अच्छे से मिलाएंगे और 2-1 मिनट कढ़ाई में भूनेंगे। अभी हमने मसाले नहीं डाले हैं, पहले हम ऐसे ही आलू को कढ़ाई में भूनेंगे, और अगर हमें ऐसे कोई टुकड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो हम उसको अपने स्पैटुला की हेल्प से ही क्रश कर देंगे। देखिए, हमारे आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं कढ़ाई में। अब हम गैस को स्लो करके इसमें अपने सारे मसाले डालेंगे। मसालों के लिए मैंने ये लगभग 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच के करीब हम गरम मसाला डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, वैसे हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल रखी है तो, और गरम मसाला भी डाला है तो लाल मिर्च हम थोड़ा सावधानी से डालेंगे। मैंने ये 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च डाली है, और ये जो हमने 1 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर ले रखा था वो भी हम इसमें मिला देंगे, और ऐसे ही हम इसमें मिला देंगे ये जो हमारा 1 चम्मच चाट मसाला है ये, और इसके बाद हम डालेंगे नमक। चाट मसाला में भी नमक होता है तो नमक भी हम उसी अकॉर्डिंग डालेंगे, और हमने जब मैदा लगाया है समोसों के लिए तो उस मिक्सचर में भी हमने मैदे में भी नमक डाला है तो नमक भी बहुत सावधानी से डालेंगे हम। अब इन सारे मसालों को बहुत केयरफुली अपने आलू और मटर के मिक्सचर के साथ हम भूनेंगे। हमें आलू में से सारा मॉइस्चर खत्म करना है, अगर मॉइस्चर आलू में रह जाएगा तो हमारे समोसे बहुत जल्दी सॉगी हो जाते हैं, तो इसलिए हम अपने आलू को बहुत अच्छे से भूनेंगे। ये हमारी स्टफिंग पूरी तरह से तैयार है, और आप देख पा रहे होंगे इसमें से बिल्कुल हमने आलू का जो मॉइस्चर है वो खत्म कर लिया है, और देखिए कढ़ाई में भी हल्का हल्का आलू इसीलिए लगने लगा है कि उसका मॉइस्चर खत्म हो गया है। तो अब हम इसको किसी दूसरी डिश में ट्रांसफर करके इस स्टफिंग को ठंडा होने देंगे पूरी तरह से। समोसे के लिए अब हम आटा लगाएंगे। ये मैंने लगभग 2 कप आटा लिया है, इसमें ये 1 चम्मच के करीब मैं अजवाइन हाथ में ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। अगर आप अजवाइन नहीं खाते हैं, आपको टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप ये स्टेप्स स्किप कर सकते हैं,
और इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम इस मैदे में डालेंगे मोमन। 2 कप आटा यानी 250 ग्राम आटा होता है। 250 ग्राम आटे में 1/4 कप आपका मोमन जाता है यानी 4 बड़े चम्मच। या अगर आपको कोई मेजरमेंट नहीं करना तो ऐसे हम अंदाजे से डालेंगे और फिर इस तेल को अपने मैदे में मिक्स करेंगे। और हमें उतना इसमें मैदे में मोमन चाहिए कि ये हम जब ये रिफाइंड अपना पूरा आटे में मिक्स कर दें तो ऐसे बनाएं तो ये मुट्ठी सी जिसे कहते हैं ना बनने लगे। देखिए ये अपनी शेप होल्ड कर रहा है। बस इतना ही हमें मोयन डालना है आटे में। अब नॉर्मल पानी से हम इसका डो लगा लेंगे और समोसे का आटा थोड़ा कड़ा लगता है। देखिए हमारा आटा लग के बिल्कुल तैयार है। अब इस आटे को ढक के हम 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे ये और अच्छे से सेट हो जाए। आटे को रखे हुए 21 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको फिर से थोड़ा सा मलेंगे जिससे ये आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये देखिए स्मूथ है आटा। हमें इसे मलने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, पर ये ढीला भी नहीं है कि इसे बेलने में दिक्कत आए। ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा आटा और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, कहीं भी स्टिक नहीं हो रहा है। अब इसमें से ही हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे और अपने समोसे के लिए पूड़ियाँ बेलेंगे। ये हमने एक ऐसे पेड़ा ले लिया है जो हमने डो बनाया था मैदे का, और देखिए बिल्कुल आराम से बेल रहा है। इसको हम बेलेंगे। थोड़ी बड़ी रोटी से थोड़ा बड़ा साइज बनाएंगे। और ये देखिए हमने इसे मला था तो ये बिल्कुल भी वापस, मतलब जैसे कई बार मैदा सिकुड़ता है ना, तो सिकुड़ भी नहीं रहा है। तो इसको अच्छे से हम बेल लेंगे, ना बहुत ज़्यादा पतला करेंगे और ना बहुत ज़्यादा मोटा करेंगे। और थोड़ा सा हम इसको लंबाई में बेलेंगे जैसे हलवाई बेलते हैं। तो जब हम इसको कट करके इसका समोसा भरेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो ऐसे घुमा घुमा के आप लंबाई में इसे सब तरफ से एक जैसा कर लीजिए। और एंड में इसको ऐसे करके थोड़ा सा, ये देखिए गोल की बजाय ये हमारा अब लंबा हो गया। और ये रोटी से थोड़ा सा मोटा बेला है हमने। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा मोटा है रोटी से। अब एक नाइफ लेके हम इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे कट करेंगे और ये ऐसे, ये हमारे पास एक पीस आ गया। अब ये वाला जो साइड है इसका, यहाँ पे हम पानी लगाएंगे। ये ऐसे फिंगर से पानी लेंगे और जैसे गुजिया जब बनाते हैं हम होली पे तब लगाते हैं, ऐसे हम पानी लगाएंगे इस पूरे पे और फिर इसको ऐसे क्लोज करेंगे ऐसे। और अपनी फिंगर और थंब से अच्छी तरह इसको प्रेस कर देंगे जिससे ये पूरा अच्छे से सील हो जाए। अगर ये अच्छे से सील नहीं होगा तो जब हम अपने समोसे को फ्राई करेंगे तो हमारा समोसा फटने का चांस रहेगा। ये देखिए अच्छे से फिंगर और थंब से मैं इसको अच्छे से सब तरफ से मैंने इसको सील कर दिया। ये देखिए अब हम इसमें जो हमने ये पहले अपनी फिलिंग बना के रखी थी ठंडी होने के लिए, इस फिलिंग को भरेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है और बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं भरेंगे कि बिल्कुल मुंह तक भर दिया समोसे में, वो भी नहीं करेंगे और बहुत कम भी नहीं भरेंगे। ऐसे हाथ में आप इसको होल्ड करेंगे ना थंब और फिंगर्स के बीच में तो इजीली इसको होल्ड भी कर पाएंगे। ये देखिए अब हम ये जो हमारा पीछे वाला साइड है इसमें सेंटर में एक ऐसे प्लेट डालेंगे और फिर ये आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड को फिंगर और थंब के बीच में प्रेस करते हुए सब तरफ से अच्छे से हम, ये देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ खींच भी रही हूँ और इनको प्रेस भी कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से सील कर देंगे। ये देखिए हमारा समोसा बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए और ये देखिए यहाँ पे भी सब अच्छे से सील है क्योंकि हमने अच्छे से प्रेस करा था। अगर आपको कहीं से खुला हुआ लग रहा है तो इस पॉइंट पे फिर से आप ऐसे हल्का हल्का सा प्रेस कर दें। ये देखिए कितने अच्छे से बना है। अब हम इसको रख देंगे और अपने बाकी समोसे भी बनाकर ऐसे ही तैयार करेंगे। ये देखिए एक और मैं दिखाती हूँ। ये ऐसे हम जो हमने काटा था वो उठाएंगे और इसका ये जो
सीधा वाला साइड है ये, जो एकदम सीधा साइड है इस पे हम पूरी साइड पे पानी लगाएंगे, और ये एंड को, ये जो दूसरा एंड है इसके अंदर ऐसे टक कर देंगे, और फिर फिंगर और थंब से प्रेस करते हुए अच्छे से इसे पूरा नीचे तक सील कर देंगे। ऐसे ही देखिए पूरा दबाते हुए, और ये देखिए यहाँ पे फिलिंग के लिए ये हमारी कैविटी बन गई। इसमें आप अपना जो हमने मिक्सचर रेडी करा है वो मिक्सचर भरेंगे, और मिक्सचर अगर आप ऊपर तक भर देंगे तब भी आपका समोसा फट जाएगा, क्योंकि फिर वो अच्छे से सील नहीं हो पाएगा। तो मिक्सचर ना कम भरें ना ज़्यादा, ऊपर हमेशा थोड़ी सी जगह रखें जिससे हम दोनों जो हमारे एजेस हैं उनको बंद कर सकें। ये पीछे वाली साइड में ऐसे एक प्लेट डालेंगे, और ये दोनों किनारों को थोड़ा सा ऊपर पुल करते हुए और आपस में प्रेस करते हुए, पुल और प्रेस करते हुए अच्छे से हम सील कर देंगे। ये देखिए हम ऐसे प्रेस इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे दो लेयर्स मिल रही हैं, तो मोटा हो जाता है, तो उतना मोटा ना रहे हमारा समोसा यहाँ से भी, और सील तो हमें यहाँ से भी करना ही है। ये देखिए सब तरफ से बिल्कुल अच्छे से सील हो गया है, और इस तरफ से भी अच्छे से सील हो गया है, तो ये हमारा दूसरा समोसा भी बनके बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही हम अपने सारे समोसे बेल के रेडी कर लेते हैं। ये हमने सारे समोसे बना के रेडी कर लिए हैं। ये इधर तेल गरम हो रहा है एक कढ़ाई में, हम छोटा सा आटे का इसमें बॉल डाल के देखेंगे। ये देखिए इसमें बबल्स उठ रहे हैं, इसका मतलब हमारा रिफाइंड बिल्कुल सही टेम्परेचर का है। शुरू में 2-3 मिनट के लिए हम अपने समोसों को लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, और 2-3 मिनट बाद हम अपनी फ्लेम को मीडियम करेंगे, तो उससे जो हमारे समोसे में ऊपर बबल्स बन जाते हैं ना, वो बबल्स नहीं बनेंगे। तो शुरू में 2-3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, और 2-3 मिनट के बाद हम अपनी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये देखिए बबल्स उठने लगे हैं, और हमारे समोसे हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए बिना छेड़े हम इनको ऐसे ही पकने देते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी गैस का टेम्परेचर मीडियम कर देंगे, तो इससे बहुत ही अच्छे और क्रिस्प समोसे आपको मिलेंगे। देखिए हमारे समोसे तेल में पिछले 3-4 मिनट से हैं, अब हम अपनी गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और अपने समोसों को बीच बीच में हिलाते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए हमारे समोसे कितनी अच्छी तरह से सिक रहे हैं कढ़ाई में, कलर भी इन पे कितना अच्छा आ गया है, और क्योंकि हमने पहले इन्हें स्लो गैस पे सेका था फिर अपनी गैस मीडियम करी है, तो इनके ऊपर जो मैदे पे बबल से बन जाते हैं वो नहीं बने हैं। अब हम इन समोसों को निकाल लेंगे कढ़ाई में से, क्योंकि ये परफेक्टली कुक हो गए हैं। हमारे खस्ता समोसे बन के बिल्कुल रेडी हैं, ये देखिए कितने अच्छे से सिका है, और अगर हम समोसा तोड़ के भी देखेंगे, ये देखिए अंदर से भी कितने अच्छे से हमारा समोसा सिका है। आइए इनकी प्लेटिंग करते हैं।